हे दोस्तों, फिर्स बकेट में आपका स्वागत है। अभी अभी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। तो आज की जो खबर है वो वंदे भारत मिशन को लेकर है। हो सकता है जल्द ही वंदे भारत मिशन खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने एयर इंडिया की वंदे भारत फ्लाइट को अगले 30 दिन में अपने देश में एंट्री करने से मना कर दिया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया अमेरिकन फ्लाइट्स को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहा था, और वंदे भारत मिशन के नाम पर पैसेंजर से 3 गुना ज्यादा किराया लेकर एक बिजनेस कर रहा था। अमेरिका ने कहा है अगर इंडिया चाहता है कि उनकी फ्लाइट्स अमेरिका में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के चलाई जाएं, तो उन्हें भी अमेरिकन फ्लाइट्स को अपने देश में एंट्री देनी होगी। जैसा कि हाल ही में एक इंटरव्यू में एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, अगर दूसरे देश इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपने देश में उड़ने की परमिशन देंगे, तभी इंडिया भी अपने देश में उनकी फ्लाइट्स उड़ने की परमिशन दे देगा, जिससे रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट हो सकेंगी। और अब ऐसा जल्द होता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरह बाकी सभी यूरोपियन कंट्री ने भी इसका सपोर्ट किया है, जिसको देखते हुए आज एविएशन डिपार्टमेंट से ये बयान आया है कि वो सभी कंट्रीज से बात करेंगे जो इंडिया में या इंडिया से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करना चाहते हैं, और एक बायलेटरल एग्रीमेंट के तहत सभी एयरलाइंस को कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इंडिया में ऑपरेट करने की परमिशन दे दी जाएगी। तो अब हो सकता है जल्दी रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तरह रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट हो जाएं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आशा करता हूँ आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।